ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജയറാം താക്കൂർ പറഞ്ഞു. സംഘടനാ തലത്തിലുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഭരണമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा. आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायक, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है. आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है. राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है. इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है, तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है. आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है. हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया. अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी. इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है. आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा. सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे. आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी. ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था. मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे. इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद. ऑनरेबल डिप्यूटी चेयरमैन. आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के राष्ट्रसभा चेयरमैन आय उपराष्ट्रपति जगदीप धनवर വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിയത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത റിപ്പോ നിരക്ക്